हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं सैम अंसारी सिटिया और मैं पहुंच चुका हूं जंगल में एक ख़ास चीज़ को लेकर के रिलीज़ करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस चीज़ को करीब से दिखाऊं और मैं बताता चलूं कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, जो कि आज तक मैंने किसी वीडियो में इस बात को नहीं बताया और शो नहीं किया अपने आप को कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तराखंड कितना खूबसूरत है और ये जो मेरे पीछे है सब साल फॉरेस्ट है। साल फॉरेस्ट की ये खासियत है, जो आप देख रहे हैं ये साल के पेड़, इसकी एज 300 साल होती है। कहते हैं कि 100 साल ये खड़ा रहेगा और जब गिर जाएगा तो 100 साल ऐसे ही पड़ा रहेगा और 100 साल सड़ने में लेगा, तो टोटल मिलाकर के 300 साल। जो रेलवे ट्रैक पहले का भी बना करते थे वो इसकी लकड़ी के बना करते थे, अब तो क्या सीमेंटेड कर दिए गए हैं। चलिए देरी ना करते हुए, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ करीब से, शायद ही आपने कभी देखी होगी, क्योंकि जितने भी रेस्क्यूअर हैं इस चीज़ को बहुत ही कम रेस्क्यू करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जुड़ पाई है। चलिए मैं आपको देरी ना करते हुए इस चीज़ को दिखाता हूँ करीब से, पास से। और आप देखिए हमारे सामने ये आया शानदार चीज़ है, ये आप देख सकते हैं इसको करीब से। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये रेड कॉलर कुकरी स्नैक है, जैसे बैंडेड कुकरी कॉमन कुकरी होता है, आपने अभी तक वो देखा होगा। तो अभी तक आप लोगों ने बैंडेड कुकरी कॉमन कुकरी को देखा होगा, आपने ये नहीं देखा होगा। तो मैं आपको रेड कॉलर कुकरी स्नैक दिखा रहा हूँ, जो कि कॉमन कुकरी से काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में भी और मोटाई में भी। देखिए कितना, तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत रंग है इसका, मुंगई कलर का, और ब्लैक इसकी आंखें हैं और इसकी जो जीभ है वो गुलाबी और क्रेच के ही बराबर लगभग इसका साइज भी है। अगर इसको हम ब्लैक कर देते हैं तो आप इसको क्रेच भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है और जो काटने की फ्राक में रहता है ये हूबहू एक क्रेच कितना है। आप देखिए जैसा कि बॉडी जितनी मोटाई और लंबाई होती है क्रैत की, और क्रैत की ही तना यह है। बट ये बिना जहर का सांप है, नॉन वेनमस स्नैक है, रेड कलर कुकरी, जिसको हम हिंदी में लाल मूंगा सांप कहेंगे। देखिए क्योंकि आपने अभी तक क्रैत देखा हुआ ये, और दूसरी बात ये कि हालांकि ये देखिए हालांकि ये बिना जहर का सांप है, लेकिन बट इससे हमको बच के रहना है, वो इसलिए जो इसका रेड कॉलर कुकरी स्नैक है। रेड कॉलर मैं आपको बताता चलूं कि इसका रेड कॉलर कुकरी नाम क्यों पड़ा है, जो कि कुकरी तो देखिए ये है ही, और रेड कॉलर का मतलब ये है कि जो भारत का सबसे जहरीला सांप होता है कॉरल स्नैक, ये उसकी हूबहू नकल करता है अपनी टेल को रिंग बना करके घुमा करके। देखिए ये आ चुका है ट्रैकिंग पर, देखिए ये आ चुका है ट्रैकिंग पर, और देखिए अभी थोड़ा सा मगर इसको छेड़ता हूँ तो ये कोरल की हूबहू कॉपी करेगा अभी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मुझे बाइट करे, क्योंकि जो इसके दांत हैं, जो नेपाली लोगों पे कुकरी होती है तो कुकरी की तरह इसके दांत होते हैं, और इसका काटा हुआ काफ़ी टाइम तक काफ़ी दिनों तक दर्द रहता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि ये मुझे बाइट करे और मैं दर्द से परेशान रहूँ। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसके, देखिए मैं फिर भी आपके लिए रिक्स ले सकता हूँ इतना कि मैं आपको इसे करीब से उठाकर दिखा दूँ, क्योंकि ये काटने में बिल्कुल देरी नहीं करेगा। ये देखिए फोटो लेना ये वाला। तो दोस्तों इसे मैं ज़्यादा परेशान ना करते हुए और ज़्यादा देरी ना करते हुए इसको मैं अपने फॉरेस्ट में रिलीज़ कर देता हूँ। तो रिलीज़ करता हूँ, जाने देता हूँ जंगल में, अपने प्राकृतिक में चला जाएगा ये। तो देखिए मैंने इसको रिलीज़ कर दिया है, तो देखिए दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर CDR के फॉरेस्ट में रिलीज़ कर दिया है, और ये सांप बहुत कम देखने को मिलता है, कम ही रेस्क्यू हो पाता है।
जो मेरे साथ मेरे पास था रेड कलर कुकरी स्नैक। तो दोस्तों अगर मेरी कोई बात गलत लगी या कुछ गलत तरीका है या जानकारी में कुछ थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए कि कहां पर क्या गलती है, और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जो नए हैं हमारे चैनल पे वो भी सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँगा अगली बार भी। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।